हाँ सर अच्छी नहीं गया सर। कौन है इस कमरे में? जी इसी में एरा में पूरा प्रक्रिया इसी में होगा खाली डीएम साहब के चैम्बर में है पूरा प्रक्रिया। नालंदा लोकसभा क्षेत्र में 7 मई यानी कि कल से होने वाले नामांकन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। नालंदा के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी शशांक शुभांकर ने बताया कि नामांकन को लेकर चुनाव आयोग के जारी दिशा निर्देश का अक्षरशः पालन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नामांकन को लेकर सुरक्षा की चौक चौबंद व्यवस्था है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने यह भी बताया कि नालंदा में आचार संहिता को लेकर उल्लंघन करने के मामले में 12 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने आज स्टेट सर्विलांस टीम को रवाना किया है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ पीआर लाइव पटना। कलेक्ट्रेट में होना है और उसके लिए पूरी तैयारियाँ हैं। हमारी तरफ से डिप्लॉयमेंट ऑर्डर निकल गया है और सब इंस्पेक्टर से लेकर डीएसपी रैंक के पदाधिकारी जो है वो इस डिप्लॉयमेंट में रहेंगे। पार्किंग की व्यवस्था, बैरिकेडिंग और जो नियमानुकूल लोगों की एंट्री है वो अलाउ होगी। सभी क्षेत्रों से जो है वो वारंटियों की सूची भी मंगाई गई है जिससे कि कोई असामाजिक तत्व इसमें प्रवेश ना करें। पुलिस पूरी तरह से जो है वो तैयार है और जो रूट है कल चूँकि सभा का भी आयोजन होना है तो रूट में ट्रैफिक व्यवस्था भी रखी जाएगी। एंट्री जो है वो एक ही रूट से अलाउड है, बाकी जगह बैरिकेडिंग की जाएगी और जो नियम है नामांकन का उसके हिसाब से नामांकन की प्रक्रिया कराई गई। कितने कर्मियों को सर लगाया गया सर? लगभग 30 से 40 पुलिस ऑफिसर्स जो हैं कांस्टेबल्स हैं सब मिलाकर डिप्लॉयड रहेंगे और आवश्यकता अनुसार अगर बल बढ़ाने की आवश्यकता होगी तो बढ़ाएंगे।